इंदौर में एडिशनल एसपी की बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एमआईजी पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया और मोबाइल जब्त कर लिया है। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। उसकी शादी के अभी 2 माह भी नहीं हुए थे। एडिशनल एसपी तरुणेंद्र सिंह बघेल की बहू ने मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एमआईजी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। बताया जा रहा है कि 12 जुलाई को ही श्रेया की वरुण सिंह से शादी हुई थी। अभी तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने जांच के लिए श्रेया का मोबाइल जब्त किया है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि 28 वर्षीय श्रेया सिंह की शादी 12 जुलाई को वरुण सिंह से हुई थी। श्रेया का मायका खजराना रोड पर क्लासिक पूर्णिमा इस्टेट में है, जहां वह आई थी। श्रेया ने मायके में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घर वालों को सुबह 7 बजे घटना की जानकारी लगी। बेटी को फंदे पर लटकता देख मां अलका ने नजदीकियों को इसकी खबर दी। सहकारिता विभाग में पदस्थ सौरभ प्रताप सिंह ने पुलिस को मामले की सूचना दी और शव को फंदे से नीचे उतारा। एसीपी नरेंद्र रावत के मुताबिक स्वजन अभी कथन देने की स्थिति में नहीं है। श्रेया के फोन की जांच करवाई जाएगी। मृतिका के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। एक थाना एमआईजी में एक नवविवाहिता का सुसाइड का मामला सामने आया है, जिसमें कि उसके द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। ये ससुराल से अभी पिछले दिनों राखी बनाने आई थी और उसके बाद उसकी पति से बात चल रही थी। इस तरह के भी प्रथम दृष्टया बात पता चली है। तो इसमें फिलहाल मर्ग कायम किया जाकर इसको जांच में लिया गया है। इसमें ईसीपी परदेसीपुरा के द्वारा जांच की जा रही है, क्योंकि ये इसकी जो शादी के लगभग 1 से 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। नवविवाहिता का मामला होने के कारण ईसीपी परदेसीपुरा के द्वारा जाँच की जा रही है। इसमें एक कुछ सुसाइड नोट भी मौके पर मिला है। इस बात सामने आई है। फिलहाल जाँच के आधार पर ही इस मर्ग में अग्रिम आधारित कार्रवाई की जाए। इसमें ये सामने आया है कि कोई जो एडिशनल एसपी हैं, जो कि खरगोन में पदस्थ है, उनकी परिवार से जुड़ा हुआ ये मामला है। तो फिलहाल अभी इसमें जांच की जा रही है और मर्ग जांच चुकी एसीपी परदेसीपुरा के द्वारा की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे मर्ग जांच में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर, सुसाइडल नोट के आधार पर, इसके अलावा स्टेटमेंट के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें एक मोबाइल भी मिला है, तो उसमें भी चैट्स और हिस्ट्री को भी रिक्रिएट किया जाएगा।